क्रिएट न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कोलकाता नाइट राइडर्स KKR ने IPL 2018 में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर रविवार को KKR ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB को 7 गेंदें शेष रहते 4 विकेट से हराकर टूर्नामेंट का विजयी आगाज किया। RCB ने पहले बल्लेबाजी की और निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 176 रन बनाए। जवाब में KKR ने 18-5 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। चलिए गौर करते हैं कि मेजबान टीम की जीत के 5 हीरो कौन रहे और क्यों। 5. आंद्रे रसेल। ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने क्रीज पर आते ही जल्दी जल्दी 2 चौके और 1 छक्का जमा दिया। उन्होंने 11 गेंदों में 15 रन ही बनाए, लेकिन रसेल की पारी KKR के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई। रसेल ने दमदार शॉट लगाकर रन और गेंद का अंतर कम कर दिया और KKR की जीत सुनिश्चित की। वैसे रसेल ने मैच में शानदार फील्डिंग भी की और विनय कुमार की गेंद पर क्रिस वोक्स का दर्शनीय कैच लपका। 4. आर विनय कुमार। विनय कुमार गेंदबाजी के समय थोड़े महंगे साबित हुए। उन्होंने 2 ओवर में 30 रन लुटाए, हालांकि इस दौरान उन्होंने पारी के अंतिम ओवर में 2 विकेट भी झटके। विनय कुमार ने मनदीप सिंह 37 व क्रिस वोक्स 5 के विकेट झटके। इसके बाद विनय ने बल्लेबाजी में अपना जौहर दिखाया और टीम के लिए मैच विजयी चौका जमाया। उन्होंने 3 गेंदों में 1 चौके की मदद से नाबाद 6 रन बनाए। 3. दिनेश कार्तिक। कार्तिक ने कप्तानी पारी खेली और टीम की टूर्नामेंट में धमाकेदार शुरुआत कराई। कार्तिक ने संयम बरतते हुए 29 गेंदों में 4 चौकों की मदद से नाबाद 35 रन बनाए। उन्होंने नीतीश राणा और आंद्रे रसेल के साथ उपयोगी साझेदारियां भी की। यही वजह रही कि कार्तिक की पारी KKR के लिए अहम साबित हुई। 2. नीतीश राणा। युवा खिलाड़ी ने अपने प्रदर्शन से काफी प्रभावित किया। उनके पास लोगों को सुनाने के लिए एक बेहद रोचक कहानी हो चुकी है। वह सभी को बता सकते हैं कि 2 गेंदों में उन्होंने विश्व के 2 सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों AB डी विलियर्स 44 और विराट कोहली 31 को शिकार बनाया। यही नहीं, बाएं हाथ के बल्लेबाज ने बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों में 2 चौकों व इतने ही छक्कों की मदद से 35 रन की पारी खेली। 1. सुनील नरेन। लगता है कि नरेन को RCB के गेंदबाज काफी पसंद हैं। उन्होंने पिछले साल RCB के खिलाफ ही IPL इतिहास की सबसे तेज फिफ्टी जमाकर रिकॉर्ड बनाया था, जिसे रविवार को केएल राहुल ने तोड़ा। बहरहाल नरेन ने उम्दा प्रदर्शन किया और 4 ओवर के अपने कोटे में 30 रन देकर 1 विकेट लिया। ऑफ स्पिनर ने RCB के प्रमुख बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम को क्लीन बोल्ड किया। इसके बाद बल्लेबाजी में नरेन ने सिर्फ 17 गेंदों में 4 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 50 रन बनाए। KKR की जीत के असली हीरो नरेन ही साबित हुए।